वेलकम गाइस, सुस्वागतम। आज बात करते हैं एक आई डिसऑर्डर की, जिसको बोलते हैं केराटाइटिस। केराटाइटिस का नाम सबने सुना होगा। केराटाइटिस एक इन्फ्लामेशन होता है, आई डिसऑर्डर होता है, आँख में डिसऑर्डर होता है। केराटाइटिस में हमारा जो ये कॉर्निया होता है, आँख के नीचे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है कॉर्निया, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। टाइटिस, केराटाइटिस अपने नाम से ही इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स कि ये एक प्रकार का इन्फ्लामेशन है। टाइटिस का मतलब ये होता है इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाना। तो केराटाइटिस फ्रेंड्स कई तरह से हो सकता है। किसी या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई इंजरी लग सकती है। तो उसमें केराटाइटिस एक प्रकार का कंजक्टिविटाइटिस की तरह ही होता है। कंजक्टिविटाइटिस और केराटाइटिस दोनों डिफरेंट ही है। कंजक्टिविटाइटिस में क्या होता है कि ओनली फॉर रेडनेस आती है, लेकिन केराटाइटिस में फ्रेंड्स आँख की जो कॉर्निया होती है उसमें रेडनेस तो आती है, रेडनेस के साथ साथ ये स्वेल हो जाता है, आँख उभरी हुई हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, टीयर्स, बार बार टीयर्स आता है, फोटोफोबिया हो जाता है। मतलब आप लाइट सेंसिटिव, आँख का जो आपकी जो आई है लाइट सेंसिटिव बहुत हो जाएगी, फोटोफोबिया, आप लाइट की तरफ बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो ये केराटाइटिस में होता है। अब फ्रेंड्स केराटाइटिस में जनरली आपको क्यों होता है, मैंने जैसा कि बताया कि इन्फ्लामेशन है, किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और या तो कोई इन्फ्लामेशन या तो कोई चोट वगैरह, मान लीजिए कोई चोट लग गई, कोई मुक्का मार दिया या समटाइम्स। तो ये तो रहा केराटाइटिस, मैंने बताया कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख की जो ये सफ़ेद पुतलियाँ हैं। एक होता है बहुत लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस, अगर आपका लगा हुआ जो लेंस आप लगाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस, बहुत अगर लंबे समय तक लगा रहता है तो भी केराटाइटिस हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो रही केराटाइटिस बीमारी की बात। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, कैसे कौन सी मेडिसिन इसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। केराटाइटिस और कंजक्टिविटाइटिस दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो केराटाइटिस आपने समझ लिया फ्रेंड, थैंक यू।